अगर आपको वजन घटाना है और झटपट घटाना है तो आपको उठाने हैं वजन। वजन उठाने के लिए नंबर वन कारण, वजन उठाने से मसल्स बढ़ते हैं और मसल्स बढ़ाते हैं आपका मेटाबॉलिज्म का रेट। मेटाबॉलिज्म अब क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं, खाने के रूप में आप अपने शरीर में ईंधन डालते हैं, वो ईंधन आपका शरीर कितनी जल्दी यूज़ कर लेता है वो है मेटाबॉलिज्म। इसीलिए हमें चाहिए कि आपका मेटाबॉलिज्म जितना हाई हो सके उतना हाई हो, ताकि आप जैसे ही वो ईंधन अपने शरीर में डालें आपका शरीर झटपट उसे यूज़ कर ले और वो हवा में गुल हो जाए और कैलोरीज बनके आपके शरीर में जमा ना हो। तो मसल्स बढ़ाते हैं आपका मेटाबॉलिक रेट। कारण नंबर दो, वेट्स उठाने से आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं। उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होती रहती हैं और इससे आगे चल के बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ स्टडीज़ की गई हैं और उन स्टडीज़ से ये पता चलता है 16 हफ्तों तक अगर आप कुछ वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी हड्डियां 20% से मजबूत हो जाती हैं। मसल्स आपके शरीर का पूरा आकार बदल सकते हैं, ये पूरे शरीर को एक सुडौलता देते हैं। अगर 1 किलो मसल्स इस साइज के हों और ऐसे दिखते हों तो 1 किलो फैट कुछ ऐसा दिखेगा। जाहिर सी बात है, जब आप 1 किलो फैट को बर्न करके उसकी जगह लाएंगे 1 किलो मसल्स, तो आपकी कमर तो कम होगी ही और फिर आप कुछ भी पहने, चाहे वो जीन्स हो चाहे शॉर्ट्स, उसमें आप और सुंदर और सेहतमंद दिख सकते हैं। कारण नंबर 4 ये है कि स्टडीज़ ने दिखाया है कि जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं और जिन लोगों की मसल्स मजबूत होते हैं वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, डिप्रेशन से दूर रहते हैं और ज़्यादा सेहतमंद और खुशी भरी ज़िंदगी जी पाते हैं। तो ये है 4 टॉप कारण जिसकी वजह से मैं आपको सलाह दूंगी कि आप वेट ट्रेनिंग शुरू करें। वेट ट्रेनिंग के इतने सारे लाभ हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, फिर भी लोग वजन उठाने से बहुत ही ज़्यादा कतराते हैं। आइए पता करते हैं कि वजन उठाने से लोग क्यों कतराते हैं। वेट ट्रेनिंग मैं ना जी ना, कभी भी नहीं, मुझे तो सिर्फ थोड़ा फैट घटाना है, थोड़ा पतला होना है, वेट्स उठा के वो गंदे गंदे मसल्स बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी होना बना लिया मैंने, ना जी ना, मैं तो ट्रेडमिल पे ही ठीक हूँ। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। अगर इतना आसान होता बॉडी बिल्डर बन जाना तो ये लोग इतनी मेहनत नहीं करते और ये इतना बड़ा प्रोफेशन नहीं होता। इनके जैसे दिखने के लिए पहली चीज़ जो ये करते हैं वो है बहुत 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 समय बिताते हैं जिम में, बहुत ही कठिन वर्कआउट करते हैं। दूसरी चीज़, खाने पीने पे बहुत कंट्रोल रखते हैं, हर चीज़ को वो वज़न करते हैं, वज़न करने के बाद अपने शरीर में डालते हैं। चौथी चीज़, ये लोग जब उनका कंपटीशन होता है या जब एक्टर्स भी अपना कोई पिक्चर का शॉट देते हैं तो उस शॉट देने से कई दिन पहले तक वो पानी और नमक बहुत ही कंट्रोल में खाते हैं। कई लोग तो खाते ही नहीं है पानी और नमक। और पांचवी चीज़ जो है वो ये सीक्रेट है कि ये लोग, बहुत सारे लोग लेते हैं स्टेरॉइड के इंजेक्शंस। कार्डियो करने से और ट्रेडमिल पे ज़्यादा समय बिताने से वो ज़्यादा वज़न घटा पाएंगे और ज़्यादा फैट घटा पाएंगे। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। जब आप वज़न उठाएंगे और मसल्स बढ़ाएंगे अपने शरीर में, वो मसल्स आपको मदद करेंगे कैलोरीज और फैट बर्न करने में, सिर्फ आपके वर्कआउट के दौरान ही नहीं पर आपके पूरे दिन भर वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में मदद करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि जितनी ज़्यादा मसल्स हैं आपके बॉडी में उतना ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए फैट घटाना। वो साथ वाली पम्मी आंटी है ना, पम्मी आंटी के चाचा के बेटे ने जिम ज्वाइन की, पूरा दिन जिम में बैठता था और खाना तो सिर्फ वो बड़े बड़े डब्बों का प्रोटीन पाउडर खाता था। मैंने तो तभी बोला था ना कर बेटा ना कर, पर कोई सुनता है क्या आजकल? अब देखो उसको, 3 महीने जिम नहीं किया और देखो सलमान खान की बॉडी थी, बन गया है एकदम मोटा सा। मैंने तो पहले ही बोला था ये जिम विम मसल वसल वेट ट्रेनिंग सब बेकार की चीज़ें हैं, बंद किया नहीं और सब उल्टा हो जाएगा। तो क्या आपके मसल्स बन जाते हैं फैट जब आप जिम जाना बंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
फैट और मसल्स दो अलग अलग टिश्यूज हैं, पानी और तेल के जैसे। फैट मसल नहीं बन सकता और मसल्स फैट नहीं बन सकते। जब आप वर्कआउट करना बंद करते हैं और जिम जाना बंद करते हैं, उन मसल्स के ऊपर इकट्ठा होने लगता है फैट, क्योंकि आप फैट को बर्न नहीं कर पा रहे। आप अगर पढ़ाई करना बंद करेंगे तो आप फेल होंगे। आप अगर नहाना बंद करेंगे तो बदबू तो आएगी। आप अगर खाना बंद करेंगे तो आप में एनर्जी तो कम होगी। और आप अगर काम करना बंद करेंगे तो पैसे तो आपके पास नहीं होंगे। इसी तरह कसरत के साथ भी, आप कसरत करेंगे तो आपका शरीर फिट रहेगा। आप कसरत करना बंद करेंगे तो आप मोटे लगेंगे और शरीर फिट नहीं रहेगा। इसीलिए आपको कसरत को बनाना है अपनी दिनचर्या का हिस्सा। आप अगर जिम से बोर हो जाए तो रनिंग करिए, आप रनिंग से बोर हो जाए तो डांसिंग करिए, डांसिंग से बोर हो जाए तो स्विमिंग करिए, पर कुछ ना कुछ रोज करते रहिए। अच्छा चलो, मान लिया मैंने कि वेट ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी है, पर काश मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो आज मैं इधर बैठी ना होती। अब तो उम्र हो गई है बेटा, अब क्या फायदा। और ये घुटने तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अब क्या करें ये घुटने। कई लोगों को ये भी लगता है कि जोड़ों के लिए, जॉइंट्स के लिए वेट ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, पर स्टडीज़ जो हैं वो एकदम ऑपोजिट चीज़ कहती हैं। वो कहती हैं कि आप जब वेट ट्रेनिंग करते हैं और मसल्स बढ़ाते हैं, आपके जॉइंट्स के आसपास जो भी मसल्स होते हैं, जो जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो बन जाते हैं और मजबूत, और उनके मजबूत बनने से आपके जॉइंट्स बन जाते हैं ज़्यादा मजबूत। क्या वज़न उठाने वाली कसरतें सिर्फ यंग लोगों के लिए है, उम्र वाले लोग ये नहीं कर सकते? बिल्कुल गलत। जैसे हम 30 साल से ऊपर की उम्र में जाने लगते हैं तो मसल्स अपने आप ही बहुत ही नेचुरली कम होने लगती हैं, और यही कारण है कि इस उम्र के लोगों के पेट बढ़ने लगते हैं और कमर का साइज बड़ा होने लगता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मसल्स को डीजेनरेट होने से रोकें, और वेट ट्रेनिंग मदद करता है आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो क्या वेट ट्रेनिंग के फ़ायदे सिर्फ तब मिलते हैं जब आप हैवी, भारी भरकम, हैवी ड्यूटी वेट्स उठाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप वेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं सिर्फ अपने खुद के शरीर के वज़न से। आप पुलअप्स करिए, पुशअप्स करिए, स्क्वाट्स करिए, लंजेस करिए, ये सब एक्सरसाइजेज हम करते हैं मेरे वर्कआउट वीडियोस में। आपने ट्राई ना किया हो तो उससे शुरुआत ज़रूर कीजिए। धीरे धीरे आप हल्के वेट्स उठाना शुरू कर सकते हैं, और फिर हल्के वेट से आप थोड़े भारी वेट्स भी उठाना शुरू कर सकते हैं। आप अगर अपने रोज़ के कार्डियो वर्कआउट या वॉक के आगे 10 मिनट का वेट ट्रेनिंग सर्किट भी ऐड करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ दिखने लगेगा।